जब सद्भव जी की पिछले दिनों जब आई थी, पिछले साल 4 साल पहले करके आई थी, तब मैं ना मुझे नहीं पता था लड़की क्या होती थी। मैंने 15 दिन ट्रेनिंग करके 10,000 में ना सिल्वर मेडल हुई थी। तब कह रहे थे कि सद्भव जी की सिलेक्शन हो गई है, उसने रिकॉर्ड किया, 2 गोल्ड ली है। मुझे पता नहीं था ओलंपिक का, मैं नाम पहली बार सुना था जब मैंने लड़की सद्भव को जाते देखा था कि ओलंपिक भी गेम होती है। तो फिर मैंने भी अपने लम्हे से कहा कि लम्हे मैं भी के ये जैसे ओलंपिक पे जा रही मैं भी जाऊंगी ना, तो मेरी भी ख्वाहिश पूरी कर, अल्लाह मैंने मेरी दुआ उसी वक्त कबूल कर ली। अब देखो मैं ओलंपिक पे जा रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी मैं 2 माह पहले थाईलैंड गई थी एशियन ओलंपिक्स खेलने के लिए, वहाँ पे मैं अपना टाइम पहले हीट भागी, मैं 2:13 की भागी, फिर दूसरे दिन 2 मिनट 13 सेकंड में, फिर मैं दूसरा कॉम्पिटिशन खेला वो 2:10 में भागी, 2 मिनट 10 सेकंड। जो लड़कियां हमारी बैन हो चुकी ना, उन्होंने स्टीयर खा के 2:10 भी नहीं किया। बस टेस्ट भी काफी दे चुके, टेस्ट में भी मेरा टाइम बहुत अच्छा आता रहा, फिर लाइफ टाइम में बेस्ट किया टेस्ट में भी। अभी आपका बेहतरीन टाइम जो है 800 मीटर 2 मिनट 10 सेकंड जी, 2:10 में। और ओलंपिक्स का रिकॉर्ड क्या है? ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तो भी हमारे पाकिस्तान की बुशरा परवीन का जो मेरी कोच है, तो उसका 2:08 पाकिस्तान का। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो तो 153-155 है वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये मैं अगर लड़कों के साथ करते हैं, लड़के अब घर चलेंगे, अब मैं खुद ही लगी हुई ना, अगर मैं मुझे 3 माह लड़कों के साथ लगाते हैं तो मैं मजीद 2-2-2-4 की रेस लगा के आ सकती थी, वहाँ पे कच्चा कंपटीशन करके आ सकती। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं 2:06-2:05 में बाकी आऊंगी। यानी आपकी जो तैयारी है जी, वो अगर सख्त तैयारी हो तो आपका अपना रिकॉर्ड बेहतर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, मैं अपना रिकॉर्ड के लाइफ टाइम बेस्ट करके आऊंगी। वहाँ पे 5 बजे लड़कों के साथ रनिंग करती हूँ, जिम वगैरह में होता है कि हमारे अपर बॉडी वेट है ना, वो हमें जैसे बाजू थक जाते हैं, टांगे थक जाती, वो हमें जिम से फायदा होता है कि हम बाजू की एक्सरसाइज करते रहते हैं, बाजू टांगों की कर लेते हैं, वो आम एक्शन होते हैं उसमें, 2 मिनट के करते हैं तो कंटिन्यू करते हैं जैसे बाजू चलाते हैं वैसे, वो उससे ये फायदा होता है कि हमारे बाजू वगैरह नहीं थकते। क्या खाते ये इसके अलावा? ये जूस व्यूस आप पीते हैं? जूस के अलावा मैं दूध पीती हूँ, दूध में 2 टाइम पीती हूँ, 3 टाइम भी हो जाता है, मैं शेक ज्यादा पीती हूँ क्योंकि इतने बड़े कॉम्पिटिशन पर जा रही हूँ। मेरे पहले कुछ के फैमिलीज में से ही के कहते ताए वगैरह कहते थे कि लड़की को बड़ी को जवान लड़की तो भाई जा रही है, हालात ठीक नहीं है, 100 मसला मसाइल हो जाएंगे, लेकिन कि मेरे माँ बाप ने मुझे हौसला दिया, मुझे कहा कि तुम्हारा शौक है तुम करो, कि मेरी बेटी देखे। अब उनकी ये ख्वाहिश है कि मैं बहुत जीत के आऊँ, वो मेरे लिए रात दिन दुआ करती है मेरी माँ। मैं उनसे झूठ बोल के कहती थी कि मेरे ये दोस्त की तरफ जाना, मैं इस तरह ट्रेनिंग करने चल जाती थी वापडा कॉम्प्लेक्स, फिर लड़कियों के साथ ट्रेनिंग करती थी कि मैं उनके साथ 1-2 राउंड लगा थक जाती थी। फिर जैसे मैंने कहा, मैंने अपने आप को हिम्मत दी, अपने आप को हौसला दिया, मैंने कहा कि सर जाहिद थे वो मेरे घर गए, उन्होंने मेरे घर वालों से बातचीत की कि आपकी बेटी बहुत अच्छी हो सकती है, अब इसको मौका देख। मेरा शौक ये है कि मैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल चैंपियन बनूं, जैसे नसीम हमीद है। हम लोग अपने पाकिस्तान के हालात खुद खराब कर रहे हैं, खुद बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा ना पाकिस्तान में क्या है। मैं आना जाना कराया भी, वहाँ का रहना भी, सब कुछ करती थी क्योंकि मैंने कहा चल पैसे तो आते जाते रहते, लेकिन ये चीज जो मुझे ये कैरियर मिला है, ये तो कभी कभी मिले, ये तो मौका आया है, इसको को ना हाथ से मैं घुमाऊँ। 4 साल हो गए, 5 साल, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। कि बहुत कुछ मिलता है, ये होता है टूर पर जाते हैं वो चलो किड्स वगैरह जोगर देते हैं, जोगर हमारे पहनने वाले नहीं होते। मैंने 1-2 फेडरेशन से कहा भी है, रिक्वेस्ट भी की है कि मुझे जोगर से रनिंग वाले कि जिससे मैं रनिंग कर सकूं, कि मुझे इजी फील हो। देखिए वो हमसे 100 से जैसे 80% सही है, हम 20% में नहीं उससे सही। वजह कि वो के हफ्ते में 1 क्लब्स खेल लेती हैं, महीने में 4-4 कंपटीशन खेलती हैं, कंपटीशन खेलती हैं वो अच्छी हो जाती हैं। हम साल में जब 3 माह कैंप लगता है भैया फोन कर देते हैं चैंपियनशिप इस डेट को है, जैसे नेशनल गेम्स है अब, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगी कि मुझे 2 चक्कर 1 चक्कर कम्प्लीट करूँ, 1-2 चक्कर होते हैं दूसरा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं उनके साथ फिनिश तक रहूंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी कि इतनी आवाम होगी शर्मिंदी पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान की लड़की सबसे पीछे आ रही है।